सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये इस व्यक्त में हम जुगर रहे हैं और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है।